आज मैं आया रास्ते में ही किसान बंधुओं ने मुझे घेर लिया और चिन्नौर का धान जिसको जीआई टैग भी मिला है, चिन्नौर चावल, आप चिंता मत करो, धान को भी बोनस दिया जाएगा। हमारी सरकार ने निर्णय किया है, 5 साल के लिए सरकार बनी, जैसे गेहूं में धीरे धीरे बोनस देते जा रहे हैं, ऐसे ही धान का बोनस भी चालू हो जाएगा। धान ने अब तो गौमाता के दूध के ऊपर भी किसानों की आमदनी फसल की बढ़ा रहे हैं, लेकिन दूध उत्पादन भी बढ़ना चाहिए। देश की पहचान ऐसा मानते हैं, दही दूध की नदियां बहती थी, अर्थात दूध पर्याप्त उत्पादन में जितना भी हो रहा है उससे कई गुना ज्यादा होना चाहिए। जिनके घर गाय वो सब गोपाल, तो हम तो सब गोपाल कृष्ण भगवान की। तो आने वाले समय में सभी किसान भाई बहनों के परिवार में जिस प्रकार से बदलते दौर में उनकी आमदनी बढ़ना चाहिए, और उनकी आमदनी बढ़ने के लिए जैसे यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी ने, बहनों के लिए जोरदार अभिनंदन करो नरेंद्र मोदी जी का, एक बार जोरदार तालियां बजा करके, जिनके कारण से आने वाले समय में लोकसभा विधानसभा और हमारी सरकार और हमारे पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के लिए ताली बजाइए जोरदार तरीके से, जिनके कारण से हमारे अपने प्रदेश में बहनों को 50% का आरक्षण मिला है। और 50% आरक्षण के अलावा अब यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में आने वाले 2029 के चुनाव में लोकसभा विधानसभा आज तक आजादी के बाद इतना आरक्षण का लाभ नहीं मिला था।